हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। इस बेल को दबाइए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिले। आज बनाने जा रहे हैं पकौड़ी करी। करी बनाने के लिए बेसन 4 चम्मच ले जाइए। थोड़ा छाछ डालकर बेसन अच्छे से फेंट लेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहे। आप छाछ के जगह दही भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ग्लास छाछ डाली हूँ। हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। और थोड़ा पानी डाल देती हूँ। एक कढ़ाई गैस के ऊपर चढ़ा दे, तेल 1 चम्मच डाल दे, मेथी दाना डाल दे, हरी मिर्च डाल दे, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल दे। इमीडिएट बनाए गए बेसन घोल को डाल दे। अच्छे से उबलने तक कुक करेंगे। हमारा करी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। करी को अच्छे तरह उबालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। दरदरा पीसी हुई अदरक और लहसुन डाल दे। करी को गैस के ऊपर ऐसे चढ़ा कर रखेंगे। अभी पकौड़े के लिए तैयार कर लेते हैं। 1 बटन में थोड़ा प्याज और हरी मिर्च डालकर बेसन डाल दे। आप जितना पकौड़े बनाएंगे उसी हिसाब से बेसन लीजिए। नमक और हल्दी पाउडर डाल दे। थोड़ा छाछ देकर पकौड़े का बैटर बना लेंगे। पकौड़े के बैटर ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। कढ़ाई में तेल रख दिया है फ्राई करने के लिए। मीडियम फ्लेम पे तेल में पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। पकौड़े को कढ़ी में डाल देते हैं। पकौड़े को डालने के बाद ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ी को 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। धनिया पत्ता डाल दें। कढ़ी में तड़का लगाने के लिए तैयार कर लेते हैं। तेल में जीरा और राई डाल दें। थोड़ा हींग डाल दें। सूखी लाल मिर्च डाल दे। करी पत्ता डालकर करी में तड़का लगा देते हैं। देखिए कलर अच्छा आ गया है करी में। हमारा पकौड़ी करी बनकर तैयार है। पकौड़ी करी को साफ कर लेते हैं एक प्लेट में। आप गर्मा गर्म पकौड़ी करी को चावल के साथ सर्व कीजिए। पकौड़ी करी कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए।